अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं माबर और आप लोग देख रहे हैं सहाफ़ी टीवी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अनयूजुअल स्विमिंग पूल्स के बारे में। आप लोगों ने स्विमिंग पूल्स तो देखे ही होंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे स्विमिंग पूल के बारे में कि अगर आपको पानी से प्यार है तो आपका वहाँ पर जाने का बहुत दिल करेगा। नंबर एक पर हमारे पास मौजूद है स्काई पूल। ये पूल दो बिल्डिंग्स के दरमियान कनेक्टिंग ब्रिज के कॉन्सेप्ट पर बनाया गया है। और मज़े की बात तो ये है कि पूरे के पूरा जो पूल है ये ग्लास पर बना हुआ है। ये पूल ग्लास से बना हुआ है, तो आप इसके अंदर और इससे बाहर आराम से देख सकते हैं। ये 115 फुट की बुलंदी पे मौजूद है, इसलिए इसे फ्लोटिंग पूल के नाम से भी जाना जाता है। ये रिसेंटली यूके में ही बनाया गया है और इसको देखने के लिए बहुत सारे लोग दूर दूर से आते हैं। नंबर दो पे हमारे पास मौजूद है मरीना पूल सिंगापुर। ये पूल मरीना होटल सिंगापुर में मौजूद है। ये 150 मीटर लंबा एलिवेटेड पूल है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा एलिवेटेड पूल होने का खिताब भी हासिल है। ये 57 स्टोरीज के ऊपर बनाया गया है और इससे आपको बहुत ही खूबसूरत और बेहतरीन किस्म का स्काई लाइन का नज़ारा मिलता है। ये एक बेहतरीन जगह है सनसेट्स और सनराइज देखने के लिए। नंबर तीन पे हमारे पास मौजूद है सैन अल्फोंसो पूल। अब ये एक प्राइवेट रिजॉर्ट है जो कि एलगरबेलो चिली में मौजूद है। ये दुनिया का सबसे बड़ा स्विमिंग पूल माना जाता था 2006 के अंदर, लेकिन अब ये दुनिया के सबसे बड़े स्विमिंग पूल्स में से एक है। इसकी सबसे खास बात तो ये है कि ये समंदर के किनारे बनाया गया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे समंदर के किनारे भला पूल बनाने की क्या ज़रूरत है। असल में समंदरी लहरों की वजह से उनका प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तो इंसान को चोट लगने का ख़तरा होता है और अक्सर समंदर में जाने की इंसान को इजाज़त नहीं मिलती महकमे की तरफ से। तो इसी एक्सपीरियंस को मद्देनज़र रखते हुए इस रिज़ोर्ट ने बिल्कुल समंदर किनारे पूल बनाया है, जहाँ पर जो पूल के अंदर पानी है वो सारा का सारा समंदर से ही आता है और समंदर में ही वापस जाता है फिल्टर होके। तो ये बहुत खूबसूरत पूल है।